आईपीएल 2023 का मैच नंबर 59, एक तरफ अगर रहेगा दिल वालों की दिल्ली तो दूसरी तरफ रहेगा पंजाब के किंग्स। तो मैं बताऊंगा किस वाले मैच में दोनों टीम ही उतरने वाला है मैच को जीतने के लिए। तो अभी मैं बताऊंगा कि देखो कोई भी टीम ऐसा बन सकता है, अभी भी चांसेस है कि 14 पॉइंट लेकर क्वालिफाई करे तो उस जगह पर भाई दिल्ली फिट हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि पंजाब 16 पॉइंट लेकर क्वालिफाई करे तो उस जगह पर मैं बताऊंगा। देखो यार, दिल्ली को अगर आप बताओ कि भाई बाहर हो चुका है तो वो बताना सही नहीं होगा, लेकिन मैं अगर बात करूं तो भाई पंजाब के पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि पंजाब 16 पॉइंट तक जाए। तो ये वाला मैच पंजाब के लिए बहुत ही ज्यादा क्रुशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि दिल्ली ना पंजाब का मजाक खराब करने के लिए रेडी है। तो मैं बताऊंगा कि इस वाले मैच में दोनों टीमों के लिए ही फाइट होगा, लेकिन पंजाब भाई ज्यादा अपना एफर्ट डालेगा जो कि मुझे देखने को मिल सकता है। तो मैं बताऊंगा कि इस वाले मैच में क्या क्या होने वाला है, तो इस वाले मैच में बेस्ट परफॉर्मर कौन बन सकता है उसके ऊपर बात करूंगा, उसके साथ दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 बताऊंगा, उसके साथ कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है, कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा पॉइंट टेबल में थोड़ा सा कि पंजाब भाई 11 मैच खेला है 10 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है, वहीं पर दिल्ली 11 मैच खेलकर 8 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। भाई दिल्ली भाई 14 पॉइंट तक ही जा सकता है, तो भाई उनके लिए भाई थोड़ा सा तो भाई प्रॉब्लम है, लेकिन भाई पंजाब के लिए भाई अभी भी खुला हुआ है मैच। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कहीं से भी नए आ गए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना कि भाई आप का परेशानी क्या है, भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, थोड़ा सा बताओ यार, तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं बेस्ट परफॉर्मर कौन बन सकता है इस वाले मैच में दोनों टीमों की तरफ से, तो मैं बताऊंगा दिल्ली की तरफ से। देखो फिल सॉल्ट के पास क्वालिटी यार, ऐसा पिचेस में मतलब दिल्ली वाले पिचेस में फिल सॉल्ट भाई बेहतर खेला है, तो मैं बताऊंगा कि फिल सॉल्ट इस वाले मैच में भी तबाही मचा सकता है। वहीं पर मैं अगर बात करूं भाई पंजाब के ऊपर, तो पंजाब के लिए ना मैं बताऊंगा लियाम लिविंगस्टन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि भाई अपने दिन में ना भाई वो तबाही, भाई तबाही से ऊपर का भी कोई अगर मंजर हो सकता है ना, वो दिखा दे सकता है दिल्ली गेंदबाज को। तो मैं बताऊंगा कि लियाम लिविंगस्टन के ऊपर जाओ आप लोग, भाई बेस्ट परफॉर्मर भाई वही बन सकते हैं इस वाले मैच में। तो अभी मैं अगर बात करूं कि बेस्ट प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या बन सकता है इस वाले मैच के लिए, तो मैं बताऊंगा सबसे पहले आप देख लो कि दिल्ली अपना कैसा प्लेइंग 11 लेकर उतरेगा, जो कि उनका बेस्ट प्लेइंग 11 है, जो कि पिछला एक दो मैच जीता है, वो प्लेइंग 11 से ही जाना चाहिए उनको। तो डेविड वॉर्नर के साथ फिल शॉट करने वाला है ओपनिंग, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका मिचेल मार्च आ जाएगा, चार नंबर पर रायली रूसो, उसके बाद पांच नंबर पर अमन खान, छह नंबर पर रिपल पटेल, सात नंबर पर अक्षर पटेल, उसके बाद आठ नंबर पर ललित यादव, दस नंबर, नौ नंबर पर कुलदीप यादव, 10 नंबर पे ईशान शर्मा, लास्टली 11 नंबर पे खलील अहमद। और एज ए इंपैक्ट खिलाड़ी के तहत आप मनीष पांडे को तो भाई खिला सकते हो, पांडे जी के पास क्वालिटी है, लेकिन भाई खिला सकते हो भाई पांडे को, ठीक है, मैं यही बताने वाला हूँ। तो अभी मैं अगर बात करूँ, देखो दिल्ली का प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, तो अभी मैं अगर बात करूँ पंजाब अपना कैसा प्लेइंग 11 लेकर उतरेगा, तो पंजाब भी अपना बेस्ट प्लेइंग 11 लेकर उतरेगा। देखो पंजाब का टीम में खराब भी नहीं था, लेकिन कुछ जगह पर क्लिक नहीं होने के दौरान ना ये टीम भाई फंस गया है। तो अभी मैं अगर बताऊँ कि प्लेइंग 11 कैसा बनेगा पंजाब का, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले ओपन करेगा शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह, उसके बाद तीसरे नंबर पे वनुका राजपक्षा, चार नंबर पे लियाम लिविंगस्टोन, उसके बाद पांच नंबर पे आपका आ जाएगा जितेश शर्मा, छह नंबर पे सैम करन, सात नंबर पे शाहरुख खान, उसके बाद आठ नंबर पे हरप्रीत ब्रार, नौ नंबर पे ऋषि धवन, दस नंबर पे राहुल चहल, और लास्ट 11 नंबर पे अरदीप सिंह, और एज ए इंपैक्ट खिलाड़ी के तहत नेथन एलिस को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि यह मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है पंजाब किंग्स का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 तो भाई सॉर्टेड है, तो अभी कंपटीशन क्या बनेगा। तो मैं अगर कंपटीशन में जाऊं ना, तो आपको देखने को मिलेगा, देखो एक तरफ अगर रहेगा दिल्ली का प्लेइंग 11 तो दूसरी तरफ रहेगा पंजाब का प्लेइंग 11। और इस प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में जो बल्लेबाज लोग हैं ना, वो ऊपर का चार बल्लेबाज लोग हैं ना, उनमें ही आपको मतलब सीमित देखने को मिलेगा कि इन चारों में अगर क्वालिटी हो तो वही मैच को जिता सकता है भाई, नहीं तो यार प्रॉब्लम में आ जाएगा दिल्ली। लेकिन वहीं पर पंजाब को देखने के जाओ, पंजाब के पास यार शिखर धवन जैसा खिलाड़ी है, प्रभसिमरन सिंह जो कि कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है, वनुका राजपक्षा, लियाम लिविंगस्टोन तीन और चार नंबर पे खेलेगा, उसके बाद आएगा जितेश शर्मा जैसा खिलाड़ी जिनके पास क्वालिटी है, जो कि युवा खिलाड़ी है, लेकिन बंदे के पास जितना हिट है ना और जितना मैच भाई निकाला है ना, आप मतलब सोच नहीं सकते। उसके बाद आता है सैम करन जैसा खिलाड़ी, शाहरुख खान जैसा खिलाड़ी। इस टीम को अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो किस टीम को आप क्वालिटी दोगे, मुझे आप बता सकते हो भाई? मतलब अगर मैं पंजाब के बल्लेबाजी के सामने ना दिल्ली के बल्लेबाजी को रखूं,
तो भाई इधर पर आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब का बल्लेबाजी बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, जो कि भाई दिल्ली मैच नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पर मैं अगर बताऊं ना, तो इधर पर खेल होगा गेंदबाजी का, और गेंदबाजी में मैं अगर बात करूं तो पंजाब का गेंदबाजी बेहतर तो है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि दोनों टीमों का गेंदबाजी में कॉम्पिटिशन करने के जाऊं परफॉर्मेंस के बेसिस पर, नाम के बेसिस पर भाई पंजाब का भाई बल्ला भारी है, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैं अगर गेंदबाजी को कॉम्पिटिशन करने को जाऊं ना, तो इधर पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों टीमों में भाई गेंदबाजी समान ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों टीमों का ही भाई गेंदबाजी के दौरान ही आप मतलब कहीं कहीं मैचेस में भाई कोलैप्स किए हो, 200 रन करके भी भाई पंजाब रन को डिफेंड नहीं कर पाया है किसी किसी मैचेस में, तो ये भाई गेंदबाजी का भाई गलती है। तो इसको आपको मानना पड़ेगा कि गेंदबाजी थोड़ा सा हल्का आपको देखने को मिलेगा दोनों टीमों की तरफ से ही, तो यार बल्लेबाजी से ही आपको मैच जीतना पड़ेगा। और पंजाब को अगर मैच जीतना हो तो भाई उनको इस पिचेस पे ना भाई 200 लगाना तो भाई बनता है। तो मैं बताऊं कि अगर पंजाब पहले बल्लेबाजी करने को आए तो उनको 200 लगाना पड़ेगा, और अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करने को आए तो भाई पंजाब के लिए ज्यादा भाई मतलब थोड़ा सा मददगार रहेगा, क्योंकि मतलब दिल्ली का जो टीम है अभी रिसेंट टाइम में ना, उनका लोअर ऑर्डर ज्यादा रन नहीं बना पाता है, तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो मैं बताऊंगा कि इस वाले मैच में अगर कंपैरिजन ही आप करने को जाओ ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई पंजाब ज्यादा बेटर टीम है दिल्ली से। और मैं बताऊंगा इस वाले मैच में विनिंग परसेंटेज में अगर देने को जाओ तो पंजाब 51% से और 49% से दिल्ली आगे पीछे रहने वाला है इस वाले मैच में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इस मैच को जीत सकता है, वो तो आप लोग कॉमेंट पर बताओगे ही बताओगे, लेकिन इस वाले मैच में जो सबसे ज्यादा क्रुशल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि टॉस जीतना। टॉस जीतकर जो अपना क्वालिटी ज्यादा दिखाएगा, मतलब अगर पंजाब को बल्लेबाजी करने को आना पड़े पहले, तो भाई उनको 200 लगाना चाहिए, नहीं तो यार अगर कम रन होना तो भाई दिल्ली भाई ऊपर से ना विकेट नहीं फेंकेगा और दिल्ली मैच को जीत जाएगा। तो पंजाब अगर पहले बल्लेबाजी करने को आए तो उनको भाई 200 लगाना चाहिए, और अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करने को आए ना, तो दिल्ली को यार सोचना चाहिए कि ऊपर का चार बल्लेबाज लोग अगर फ्लॉप जाए तो उनका ज्यादा रन नहीं होगा, तो उस जगह पर भाई दिल्ली को भी सोच समझ कर पैर फैलना है, और वहीं पर पंजाब को भी सोच समझ कर पैर को आगे ले जाना है। ठीक है, तो अभी भी चांसेस है दोनों टीमों के पास कि दोनों टीम क्वालिफाई कर जाए। तो मैं बताऊंगा कि अगर देखो 14 पॉइंट लेकर कोई टीम जाए तो भाई दिल्ली उस बेसिस पर आगे जा सकता है, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि यार 16 पॉइंट लेकर भी दो टीम जा सकता है, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी भाई दिल्ली अगर सोच ले कि भाई हम बाहर हैं, नहीं तो से नहीं होगा, उनको भाई खेलना पड़ेगा, बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और पंजाब के पास तो भाई 16 पॉइंट में जाने का मौका है, तो भाई इस वाले मैच को जीतो, 12 पॉइंट लो, ऊपर जाओ, ये तो मैं बताऊंगा। तो अभी आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना होगा वो तो आप लोग कमेंट बताओ। तो अभी इधर ही समाप्त करते हैं, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर ही समाप्त करते हैं, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, और भाई लाइव में आ जाना, मैं लाइव में आके बातें करूंगा इस वाले मैच डे पर, लाइव में आ जाओ और लाइव में आके बातें करूंगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।